प्रिय विद्यार्थी, आज के इस क्लास में लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आप सभी का स्वागत है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बताते समय एक पॉइंट वहाँ से आपको नोट करना है कि हमने ये कहा था कि वो बहुत लकी थे। क्यों लकी थे? क्योंकि जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर उन्होंने लिया था वो सभी अलग अलग क्रोमोजोम पे, 7 क्रोमोजोम पे अलग अलग वो डिस्ट्रीब्यूटेड थे, और उन्होंने एक रिजल्ट पाया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो वह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसके कारण संभव हो पाया था। अब इस चीज़ का बार बार इस टॉपिक के अंतर्गत भी योगदान आएगा, यह कि वो अलग अलग वो 7 कैरेक्टर जो लिए थे उसके जीन अलग अलग क्रोमोजोम पर थे, इसलिए बड़ी सरलता से उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रतिपादित कर दिया, क्योंकि 2 जीन जब कंसीडर किया गया तो एक दूसरे को इनहेरिटेंस को प्रभावित नहीं करते थे। अच्छा, अब उसके बाद सटन नाम वैज्ञानिक ने एक क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। क्रोमोजोम पर लीनियरली जीन्स अरेंज रहते हैं, और जब अलग अलग क्रोमोजोम पे रहते हैं तो गैमिट फॉर्मेशन जब मियोसिस के दौरान होता है तो उसमें होता क्या है कि क्रोमोजोम की संख्या रिड्यूस हो जाती है, 2n से n बनता है गैमिट। तो उसमें जो होमोलोगस के पार्टनर हैं वो अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से 7 क्रोमोजोम का एक एक पार्टनर एक तरफ आ गया एक गैमिट में, और दूसरा दूसरे गैमिट की ओर चला गया। और यदि जीन सब अलग अलग जगह हैं तो वह भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किए ऐसी स्थिति में। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ से हम आपको लिंकेज के राह पर ले चलते हैं। लिंकेज का मतलब क्या होता है? क्रोमोजोम पर जीन्स लीनियरली अरेंज होते हैं। जो एक क्रोमोजोम है उस पर जितने जीन्स पाए जाएंगे उनको लिंक्ड जीन कहेंगे, और जितने क्रोमोजोम एक ऑर्गेनिज्म में होंगे एन संख्या में हेप्लॉयड में उतने लिंकेज ग्रुप होते हैं, क्योंकि हर क्रोमोजोम पे जितने जीन हैं आपस में लिंक हैं। क्रोमोजोम नंबर 1 पर क्रोमोजोम नंबर 2 पे वो दूसरा लिंकेज ग्रुप बनाया, फिर तीसरा लिंकेज, 7 यदि क्रोमोजोम हैं मटर का यदि आप कंसीडर कर रहे हैं तो वो 7 लिंकेज ग्रुप हैं। तो ये हुआ लिंकेज ग्रुप। एक लिंकेज, अब देखिए इसको डिफाइन कर लिया जाए, देयर आर एज मेनी लिंकेज ग्रुप एज आर दी हेप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, ठीक है। अब लिंक्ड जीन, ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन ए क्रोमोजोम इज कॉल्ड लिंक्ड जीन। अच्छा, अब यहाँ पर 2 शब्द और इसमें से लिंकेज में से निकल के आता है। एक को कहा जाता है पार्शियली लिंक्ड, एक को कहा जाता है कंप्लीट लिंकेज। तो ये 2 शब्द भी जान लीजिए। जब आप देखते हैं कि एक क्रोमोजोम पर अनेक जीन एक क्रम से लगे हुए हैं, तो जैसे ABCDE ऐसे करके जीन लगे हुए हैं, तो ए जीन और ई जीन ये पार्शियली लिंक हैं, क्योंकि एक क्रोमोजोम पर मौजूद हैं इसलिए लिंकेज तो है, लेकिन जब व्यवहार के रूप में देखिएगा तो इनके बीच एक फेनोमेनन होता है जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो जब दूर दूर हैं एक ही क्रोमोजोम पर लिंक्ड हैं वो जीन, और वो दूर दूर स्थित हैं, उनके बीच डिस्टेंस है, गैप है, तो उनके बीच क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, और एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होने की वजह से वो जीन जो हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बिहेवियर दिखा देंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा तब। और क्रॉसिंग ओवर होने का शर्त यह है कि एक ही क्रोमोजोम पर हो कोई बात नहीं है, उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, वाइड गैप होना चाहिए। तो इस प्रकार से पार्शियली लिंक्ड जीन जो होते हैं एक ही क्रोमोजोम पर डिस्टेंटली प्लेस्ड, वो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करते हैं।
परंतु यदि वह जब नज़दीक रहेंगे तो उनके बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा, तो वैसी स्थिति में उसे कंप्लीट लिंकेज कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर एक इतना बड़ा पैरामीटर है, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर साथ साथ क्यों पढ़ें? ये इतना बड़ा पैरामीटर है क्रॉसिंग ओवर कि एक क्रोमोजोम पर जो जीन्स पाए जा रहे हैं, जो लिंक्ड जीन्स हैं, तो एक ही क्रोमोजोम पर पाए जाने वाले जीन के बीच का डिस्टेंस जो है उसे क्रॉस ओवर के आधार पर नापा जाता है कि कितना परसेंट क्रॉस ओवर आया, और इसके लिए यूनिट सेंटीमार्गन दिया जाता है और 3-point टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। ठीक है। तो क्रॉस ओवर की महत्ता है, क्रॉस ओवर के कारण पार्शियली लिंक्ड जीन जो एक ही क्रोमोजोम पे डिस्टेंटली प्लेस्ड होंगे वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे, पर जो कंप्लीट लिंकेज है, जिनके बीच गैप नज़दीक है, दो जीन के बीच की दूरी कम है, तो वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो जाएगा, हो पाएगा। तो इसका कारण वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगे। अच्छा, लिंक्ड जीन का ये एक और खासियत है कि दे टेंड टू शो द पैरेंटल कॉम्बिनेशन इन प्रोजेनी एज वेल। जब वो इनहेरिट होते हैं तो वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन को ही शो करते हैं, जिस कॉम्बिनेशन में वहाँ रहेंगे वही कॉम्बिनेशन में प्रोजेनी में भी जाएंगे, जो जब ये लिंक्ड होंगे तब। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि पैरेंट में वो अलग अलग हैं तो प्रोजेनी में कैसे जाएंगे? वो अलग अलग की स्थिति में ही जाएंगे, लिंक्ड जीन रहेंगे। तो एक को कॉपलिंग कहते हैं और दूसरे को रिपल्सन फेज कहते हैं। ठीक है, जब एक ही जगह है और उसी कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं तो ये कॉपलिंग फेज में आ गया, और यदि अलग अलग में हैं और उसी कॉम्बिनेशन में प्रोजेनी में जा रहे हैं पेरेंट से, तो यह रिपल्सन फेज हो गया। तो इन प्रक्रियाओं में हम लोगों ने ये जाना अभी तक कि एक क्रोमोजोम पर पाए जाने वाले जीन लिंक्ड होते हैं, जिनके बीच में ज़्यादा दूरी होता है वो पार्शियल लिंकेज शो करते हैं, जिनके बीच दूरी कम होता है वो कंप्लीट लिंकेज शो करते हैं, और जो लिंक्ड जीन होते हैं वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन में ही प्रोजेनी में जाते हैं, यदि वो पास रहेंगे और जाएंगे तो कॉपलिंग फेज कहेंगे, और दूर रहते हैं उसी फॉर्म में जाएंगे तो उसे रिपल्सन कहेंगे। और क्रॉसिंग ओवर लिंकेज को प्रभावित करता है, पर तभी करता है जब जीन एक ही क्रोमोजोम पे दूर दूर स्थापित हो। अच्छा, इन सारे चीज़ों का जेनेटिक इफेक्ट ये होता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आएगा कि नहीं आएगा, माने वो प्रूव होगा कि नहीं, दे विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली और नॉट। तो जो लिंक्ड जीन हैं, पार्शियली लिंक्ड हैं, माने दूर दूर एक ही क्रोमोजोम पर हैं, तो उनके बीच क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होता है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करने लगेंगे, पर जो नज़दीक वाले होंगे वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं शो करेंगे। आइए हम लोग अब थोड़ा क्रमवार चला जाए। हम लोगों ने ये देखा, लिंकेज किया और लिंकेज को हमने जोड़ के दिखाया क्रॉसिंग ओवर से, दूसरी बात कि क्रॉसिंग ओवर का क्या योगदान है, और तीसरी बात ये कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो था वो किस स्थिति में होता है, कब वह प्रभावित होता है कब नहीं, और वही बताता है कि जीन पार्शियली लिंक्ड है या कंप्लीट लिंक है, उनके बीच क्रॉसिंग ओवर हो रहा है कि नहीं। वो क्रॉसिंग ओवर भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एश्योर करता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आएगा। ये इंटरलिंक्ड चीज़ है, इसीलिए इन चैप्टर को साथ साथ लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर कह के हम लोग पढ़ा जाता है। टेंडेंसी ऑफ जीन टू रिमेन टुगेदर इन देयर ओरिजिनल कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इज कॉल्ड लिंकेज। द फेनोमेनन ऑफ लिंकेज वॉज फर्स्टली रिपोर्टेड बाई बेटसन एंड पनेट इन 1906।
T.H. Morgan put forth the theory of linkage and concluded that coupling and repulsion were two phases of single phenomenon linkage. अब क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यह सटन एंड बावेरी ने प्रपोज किया. इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड दैट मेनी जीन्स आर लोकेटेड इन ईच क्रोमोजोम इन ए लीनियर फैशन. जीन्स आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन क्रोमोजोम एंड ऑल जीन्स लोकेटेड इन सेम क्रोमोजोम वुड मूव टू सेम पोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मतलब गैमेट फॉर्मेशन के दौरान. As a consequence, such genes will fail to show independent assortment or segregation and would tend to be inherited together. अच्छा, अब types of linkage क्या क्या होंगे. Linkage is generally classified on basis of three criteria. Crossing over, देख लीजिए, लिंकेज की बात कर रहे हैं. क्रॉसिंग ओवर एक क्राइटेरिया, जीन्स इन्वॉल्व दूसरी क्राइटेरिया, और क्रोमोजोम्स इन्वॉल्व ये तीसरी क्राइटेरिया. तो बेस्ड ऑन क्रॉसिंग ओवर लिंकेज को पुनः दो भाग में बांटे. एक कहते हैं कंप्लीट लिंकेज और दूसरा कहते हैं इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज, जो ऊपर मैं आपको बताया था. कंप्लीट लिंकेज क्या है भाई. इट इज नोन इन केस ऑफ मेल ऑफ ड्रोसोफिला एंड फीमेल ऑफ सिल्क वर्म वेयर देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. तो वहाँ क्रॉसिंग ओवर एब्सेंस होता है और इस वजह से कंप्लीट लिंकेज होता है. पार्शियल लिंकेज इफ सम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर आल्सो अकर बिटवीन द लिंक्ड जीन, इट इज नोन एज पार्शियल लिंकेज. पार्शियल लिंकेज हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन मेज पी ड्रोसोफिला फीमेल. क्रोमोजोमल लिंकेज, ये दूसरा क्राइटेरिया पर हम लोग आ गए हैं, refers to linkage of genes which are located on sex chromosome, either X or Y, सामान्य तौर से X पर. Sex linked inheritance के पढ़ने के दौरान इसको हम लोग और विस्तृत करेंगे, क्रोमोजोमल बेसिस पर लिंकेज को. और आप लोग जानते हैं कि हीमोफीलिया नाम का डिजीज जो है रिसेसिव जीन के कारण होता है, तो यह फीमेल के द्वारा ही पास करता है और यह लिंक्ड जीन एक्स क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम या एक्स क्रोमोजोम जैसे जैसे मूव करेगा उसके हिसाब से ही यह हीमोफीलिया का इनहेरिटेंस होता है. इसलिए इसको क्रोमोजोमल सेक्स क्रोमोजोम से लिंक्ड कहते हैं. तो ये लिंकेज इज विद द सेक्स क्रोमोजोम. एक बात यह भी बताना यहाँ संदर्भयुक्त होगा कि देखिए एक्स और वाई क्रोमोजोम हेटेरोमार्फिक होते हैं, ठीक है ना, और वो पेयर करते हैं. एक स्मॉल सेक्शन होता है जहाँ से वो पेयर करते हैं और बाकी सारे चीज़ भिन्न रहते हैं. एक फीमेल का कैरेक्टर देगा, देने वाला रहेगा जीन्स चारों ओर, एक में मेल का कैरेक्टर देने वाला रहेगा वाई में, और इन एडिशन टू दैट ए फीमेल सप्रेसर एज वेल. तो इस प्रकार से इनमें इन जगहों पे क्रॉसिंग ओवर मेल टू फीमेल कैरेक्टर नहीं होगा, वो वहाँ पेयर ही नहीं किए हैं तो क्रॉस ओवर कैसे होगा. एक बड़ी स्मॉल पार्ट पे वो पेयर करते हैं जिससे डिसजंक्शन डिवीजन के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान होना संभव हो पाता है. तो इसलिए जिस क्रोमोजोम पर एक्स पर जो जीन पाया जाएगा वो एक्स के रास्ते ही आगे बढ़ेगा, जहाँ जहाँ एक्स जाएगा तो उसको एक्स लिंक्ड जीन कहेंगे. और यदि वाई पर जो रहेगा, जैसे ईयर ऑन हेयर, हेयर ऑन ईयर, तो यह वाई क्रोमोजोम का जैसे जैसे मूवमेंट होगा प्रोजेनियों में उसके अनुरूप जाएंगे, तो यह सेक्स क्रोमोजोम से लिंक्ड जीन
कहे जाएंगे, उस पर जो जीन पाए जाएंगे। अब लिंकेज बेस्ड ऑन जीन्स इन्वॉल्व, डिपेंडिंग ऑन वेदर ऑल डोमिनेंट और सम डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव एलील्स आर लिंक टुगेदर, लिंकेज कैन बी कैटेगराइज इनटू कॉपलिंग फेज एंड रिपल्सन फेज। एक ए कॉपलिंग फेज, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम एंड रिसेसिव एलील प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम, तब सोच कॉपलिंग फेज, तो इसे कॉपलिंग में कहेंगे। रिसेसिव एक वाले क्रोमोजोम पे है और डोमिनेंट दूसरे वाले क्रोमोजोम पर है खाली, तो यह कॉपलिंग फेज में है, यह उसी प्रकार से जाएंगे। और रिपल्सन फेज, डोमिनेंट एलील ऑफ सम जीन्स आर लिंक्ड विथ रिसेसिव एलील ऑफ अदर जीन ऑन सेम क्रोमोजोम, सोच इन रिपल्सन फेज। तो मान लीजिए कि एक सी है स्मॉल वाला कलर वाला और टी है हाइट वाला, और एक ही क्रोमोजोम पे पाए जा रहे हैं, ठीक है, कि बौना भी है और सफ़ेद भी है, या लंबा है और सफ़ेद है, कैपिटल टी है डोमिनेंट वाला और स्मॉल, अब इसी एक ही क्रोमोजोम पे हैं तो ये लिंक्ड हैं, नज़दीक प्लेस हैं। अब ये एक से दूसरे जनरेशन में जाएंगे तो इसी फेज में जाएंगे, तो इस प्रकार से यह रिपल्सन फेज में माने जाएंगे। अब आइए कुछ लिंकेज के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात किया जाए। लिंकेज इन्वॉल्व्स टू और मोर जीन्स विच आर लोकेटेड इन सेम क्रोमोजोम इन ए लीनियर फैशन। अच्छा, लिंकेज से एक नुकसान क्या है कि इट रिड्यूसेज वेरिएबिलिटी। जब लिंक्ड जीन माने पैरेंटल कॉम्बिनेशन में ही प्रोजेनी में जाएगा, अब प्रोजेनी से फिर अगले प्रोजेनी में भी फिर उसी कॉम्बिनेशन में जाएगा, तो वेरिएशन कहाँ से आएगा? अब वेरिएशन नहीं आएगा तो नेचुरल सेलेक्शन कैसे उस पर ऑपरेट करेगा? और इन्वायरमेंट जो एवर चेंजिंग है, वो जब चेंज करेगा, तो जब जीन उसी कॉम्बिनेशन में पेरेंट टू प्रोजेनी जा रहे हैं, तो प्रोजेनी बदले हुए परिस्थिति में कैसे सर्वाइव कर पाएगा? तो लिंकेज रिड्यूसेज वेरिएबिलिटी, ठीक है। लिंकेज में इन्वॉल्व आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव एलील। अच्छा, लिंकेज यूजुअली इन्वॉल्व दो जीन्स विच आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। जब एक दूसरे से नज़दीक जीन रहेंगे क्रोमोजोम पर, तो वो पूरा लिंकेज शो करेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन्स। लेसर द डिस्टेंस, हायर द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज एंड वाइस वर्सा। मतलब यदि दूर दूर प्लेस हैं तो लिंकेज का स्ट्रेंथ उनका बहुत कमज़ोर है और आसानी से क्रॉसिंग ओवर होके उनको अलग कॉम्बिनेशन में प्रस्तुत कर देगा प्रोजेनी में। परंतु यदि वो जीन पास पास हैं क्रोमोजोम पर, तो वो वहाँ लिंकेज का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है और उनके बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा, और तब वो उसी कॉम्बिनेशन में अगले जनरेशन में जाते रहेंगे। लिंकेज कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी डाटा। अच्छा, अब लिंकेज ग्रुप क्या है? जैसा कि आरंभ में मैं बताया था आपको कि लिंकेज ग्रुप रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ जीन विच आर प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोजोम। इन अदर वर्ड्स, ऑल दो जीन्स विच आर लोकेटेड इन वन और सेम क्रोमोजोम आर कंस्टिट्यूटिंग वन लिंकेज ग्रुप। तो क्रोमोजोम कंस्टिट्यूट वन लिंकेज ग्रुप। द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इज लिमिटेड टू ईच इंडिविजुअल। अब कितना लिंकेज ग्रुप हर ऑर्गेनिज्म में रहेगा यह फिक्स है डेफिनेटली, क्योंकि क्रोमोजोम नंबर सबका हर स्पेसीज का फिक्स होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू द हेप्लॉयड क्रोमोजोम नंबर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब जैसे पाइसम से टाइबम मटर वाले से ही चला जाए, तो वहाँ पे 7 क्रोमोजोम पाया जाता है, तो उसमें कितने लिंकेज ग्रुप होंगे? 7 ग्रुप होंगे। एक क्रोमोजोम पर पाए जाने वाले सभी जीन एक लिंकेज ग्रुप बनाएंगे, दूसरे पर पाए जाने वाला दूसरा, तीसरे, कुल 7 है ही, तो 7 हेप्लॉयड सेट से देखा जाता है।
चलिए इसी का एग्जाम्पल है, कहीं क्रोमोजोम नंबर 14 है, कहीं 20 है, कहीं 46 है, आदमी में 23 लिंकेज ग्रुप पाए जाएंगे, क्योंकि हेप्लॉयड डिप्लॉयड में 46, हेप्लॉयड में 23, प्रत्येक 2300 क्रोमोजोम अलग अलग लिंकेज ग्रुप बनाएंगे और कुल सम्मिलित रूप से आदमी में 23 लिंकेज ग्रुप पाए जाएंगे और मटर में 7 लिंकेज ग्रुप। ओके, टेस्ट क्रॉस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिटेक्टिंग द लिंकेज। लिंकेज कैसे डिटेक्ट किया जाएगा भाई? इन दिस मेथड ए हेटेरोजाइगोट्स ऑफ टू लोसाई इज क्रॉस टू ए डबल रिसेसिव पेरेंट, तो इसे टेस्ट क्रॉस कहेंगे। जब प्रोजेनी को डबल रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं, माने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से, तो इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। एंड द फिनोटाइप रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी इज एग्जामिन। यदि 1:1:1:1 का ये रेशियो दिखाए तो कहा जाता है कि देयर इज नो लिंकेज, और लेकिन 1:7:7:1 का दिखाए तब कहा जाएगा कि ये जो वेरिएशन आ गया, चेंज मॉडिफिकेशन रेशियो का आ गया, इसका कारण क्या है? क्योंकि कोई जीन लिंक्ड हैं, वो हर हाल में उसी कॉम्बिनेशन में जाने के लिए तत्पर हैं प्रोजेनी में, तो इस वजह से यह गैप बदल जाता है, रेशियो बदल जाता है। लिंकेज का क्या सिग्निफिकेंस है प्लांट ब्रीडिंग में विशेष तौर से? लिंकेज लिमिट द वेरिएबिलिटी अमॉन्ग द इंडिविजुअल, और यदि आप हाई यील्ड को रेजिस्टेंस से लिंक कर दे रहे हैं, डिजीज रेजिस्टेंस से, तब बताइए क्या होगा, ये लाभकारी होगा कि सेग्रीगेशन की प्रक्रिया से रेजिस्टेंस दूर नहीं होगा? आपको क्या चाहिए? हाई यील्ड चाहिए क्रॉप का, और प्लस उसका रेजिस्टेंस भी चाहिए, नहीं तो हाई यील्ड जहाँ होगा वहाँ पर तरह तरह के फंजाई बैक्टीरिया डिजीज कॉज करने आ जाएंगे, तो इसलिए जो रेजिस्टेंट होगा, रेजिस्टेंस की जीन और यील्ड का जीन दोनों यदि लिंक्ड है तो वाह क्या बात है, वो टूटेगा भी नहीं, उसी कॉम्बिनेशन में प्रोजेनी में जाएगा लिंकेज होने के कारण, तो यह कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतरीन है उत्पादकता के दृष्टिकोण से, तो ये वेरिएबिलिटी को रिड्यूस कर देगा, रिड्यूस का कम कर देगा, ख़त्म कर देगा। अब दो कैरेक्टर की मैं बात कर रहा था भाई, जीन तो हजारों हैं ना, तो दो हमारे ज़रूरत की चीज़ है, एक यील्ड है और दूसरा रेजिस्टेंस टू डिजीजेज है, और दोनों यदि एक ही क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं नज़दीक नज़दीक लिंक्ड फॉर्म में, तो इसी फॉर्म में वे नेक्स्ट जनरेशन में जाते रहेंगे लिंकेज के कारण, तो वेरिएबिलिटी इन दो जीन के संदर्भ में वेरिएबिलिटी होती ना होगी नहीं, और हमें चाहिए भी नहीं, हमें यील्ड भी हाई चाहिए और रेजिस्टेंस भी चाहिए, तो इस तरह से इसको लाभ में कैसे परिवर्तित कर लिया जाए। लिंकेज बिटवीन टू और मोर लेसाई कंट्रोलिंग डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टर इज एडवांटेजियस। यही देखिए, दो अलग अलग डिजायरेबल कैरेक्टर रेजिस्टेंस एंड यील्ड, तो यह डिजायरेबल है और एडवांटेजियस है फॉर ए प्लांट ब्रीडर। ए लिंकेज बिटवीन जीन कंट्रोलिंग टू डिफरेंट डिजायरेबल कैरेक्टर विल हेल्प इन साइमल्टेनियस इम्प्रूवमेंट ऑफ बोथ द कैरेक्टर। लिंकेज इज अनडिजायरेबल व्हेन डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल जीन आर लिंक्ड टुगेदर। अब यील्ड और रेजिस्टेंस के उल्टा क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी। तो एक ही क्रोमोजोम पर ससेप्टिबिलिटी वाली जीन है और यील्ड वाली भी है, हाई यील्ड एंड ससेप्टिबल, तो वो लिंक्ड हो जाएंगे और पास पास भी हो, माने कंप्लीट लिंकेज हो जाए, तो उसी रूप में अगले जनरेशन में जाते जाएंगे, दे लिंक टुगेदर और उसी लिंक्ड फॉर्म में जाएंगे प्रोजेनी में पेरेंट से, तो हमारे लिए उसमें एक्शन का स्कोप ख़त्म हो जाएगा प्लांट ब्रीडर के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट आप कैसे कर सकते हैं इन दो कैरेक्टर्स के लिए आज से। तो बैड एंड गुड जीन यदि साथ में लिंक्ड हो जाते हैं तो यह डिफिकल्टी हो जाती है प्लांट ब्रीडर के लिए। अब देखिए, जब नो लिंकेज रहता है
नो लिंकेज, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ टू जीन ऑन टू डिफरेंट होमोलोग पेयर ऑफ क्रोमोजोम, तो वहाँ पर क्या होगा, लिंकेज नहीं होगा। पता ही है कि एक ही क्रोमोजोम पर जब जीन पाए जाएंगे उन्हीं को तो लिंक्ड कहेंगे। और इसे होने से क्या लाभ होता है नो लिंकेज होने पर, कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है कैरेक्टर्स का। अच्छा, अब एक दूसरा कंडीशन देखिए आ गया। पहले तो कहें कि लिंक्ड नहीं है, अलग क्रोमोजोम पर है, तब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फिट है। अब लिंकेज तो है बट डिस्टेंटली प्लेस्ड, तो देखिए उनके बीच में रिकम्बिनेशन हो जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब ये एक येलो कलर का ये बना है और दूसरा वाला ये स्काई कलर का बना हुआ है, और इन दोनों के बीच में देखिए दो क्रोमेटिड आपस में सट रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन होगा और जीन का एक्सचेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बदले हुए कम्बिनेशन में नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। लिंक्ड जीन तो थे पर रिकम्बिनेशन होने के वजह से उनका पोजीशन चेंज हो गया और प्रोजेनी में वो बदल गए उनका कम्बिनेशन। तो इसलिए लिंकेज विथ रिकम्बिनेशन कह रहे हैं, मैंने यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो जाए यदि तो भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फिट है, मैंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ भी हो जाएगा। देखिए जब कम्प्लीटली लिंक्ड रहेंगे तो उनका रेशियो 1:2:1 आएगा। F1 × F1 कराइएगा जब आपस में कराइएगा, और 1:1 आएगा जब टेस्ट क्रॉस कराइएगा, माने F1 को पैरेंट से आपने करा दिया, डबल रिसेसिव पैरेंट, होमोजाइगस रिसेसिव पैरेंट इसको कहते हैं। जब इससे कराएंगे तभी टेस्ट क्रॉस कराएंगे, और किसी भी पेरेंट से प्रोजेनी को करा दिए तो वो बैक क्रॉस कहा जाता है। हम लोग यहाँ टेस्ट क्रॉस की बात करें। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर पे हम लोग थोड़ा चर्चा अब करेंगे। बुनियादी तौर से तो क्रॉसिंग ओवर का यहाँ लिंकेज के संदर्भ में ही होना चाहिए, पर आइए हम लोग देखते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोजोम, परिभाषा हो गया। क्रोमोजोम होमोलोगस होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होगा कहाँ, होमोलोगस क्रोमोजोम में, और उसमें भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा, तब ये क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। इट अकर्स इन पैकेट इन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। वी नो दैट होमोलोगस क्रोमोजोम कंट्रीब्यूट, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ टू पेरेंट कम एंड पेयर एक्सचेंज सेगमेंट टू प्रोड्यूस रिकम्बिनेंट्स। अब होमोलोगस है तो आँख कान नाक का जीन फादर का, आँख कान नाक का जीन मदर का, और तब वह प्रोजेनी में यदि है तो वहाँ पर क्या है, डिप्लॉयड फॉर्म में है। अब गैमिट बनने के दौरान मियोसिस होगा और वहाँ पर फिर नंबर रिड्यूस होके एन हो जाता है, तो उस मियोसिस डिवीजन में दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम के दोनों पार्टनर से जो आए हैं मदर के साइड से और फादर के साइड से, ये पेयर देयर, वहाँ पर यह पेयरिंग होता है, जानते हैं ना जाइगोटिन सिनाप्सिस होता है, और उस पेयरिंग के दौरान पैकिटिन अगला स्टेज जब 4 स्ट्रैंड स्टेज में होगा तो उनके बीच में क्रॉस ओवर होगा, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है, और उसका रिजल्ट क्या आता है कि जब जो गैमिट बनते हैं वो सिग्रीगेट करते हैं, प्यूरिफाइड फॉर्म में अलग अलग होते हैं, जब तो वो नेक्स्ट जनरेशन जब बनाते हैं तो पेरेंटल कम्बिनेशन से अलग नए कम्बिनेशन में प्रोजेनी के अंदर दृश्य हो जाता है कैरेक्टर। तो उससे क्या होगा, इट क्रिएट्स वेरिएशन ऑन विच नेचुरल सेलेक्शन ऑपरेट्स। तो ये वेरिएशन हुआ, इन्वायरमेंट चेंज होगा, तो चेंज होगा तो जो इन्वायरमेंट के हारमोनी में रहेगा उससे उसकी तारतम्यता में रहेगा, चेंजिंग इन्वायरमेंट से बैलेंस बना के रहेगा, वही सर्वाइव करेगा। तो जो ये रिकम्बिनेंट आए उनमें से कुछ ऐसे निकल जाएंगे जो चेंजिंग इन्वायरमेंट में
अपने आप को ज़्यादा सूटेबल पाएंगे एंड दे विल सर्वाइव। तो यह सर्वाइवल वैल्यू और स्पेसीज के कंटिन्यूएशन को बढ़ा देता है। फर्दर एड सर्वाइवल वैल्यू टू प्रोजेनी, बट हियर इट इज रिलीवेंस इज दैट इट इन्फ्लुएंसेज बेसिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आर टू फेसेज ऑफ सेम कॉइन कहा गया है। तो यह जो रूल था वही जो पहले बताए थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको क्रॉसिंग ओवर होने पर वह पक्का हो जाता है। अलग अलग क्रोमोजोम पर होगा तो लिंक्ड है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है, वो अलग हो रहेंगे। लेकिन यदि लिंक्ड भी हैं और डिस्टेंटली प्लेस्ड हैं, उनके बीच क्रॉसिंग ओवर हो जा रहा है, तो भी वो नए कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। जीन ऑन सेम क्रोमोजोम आर लिंक्ड देन सो फेनोमेनन ऑफ लिंकेज एंड नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब लिंकेज होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। हाउएवर इवन ऑन द सेम क्रोमोजोम इफ दे आर डिस्टेंटली प्लेस्ड दे अंडरगो रिकम्बिनेशन ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर इफेक्टिंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब एक ही क्रोमोजोम पर हों पर दूर दूर हों तब क्रॉसिंग ओवर के कारण इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाता है। बट वेन जीन्स आर क्लोज एनाफ ऑन क्रोमोजोम टू इस्केप क्रॉसिंग ओवर देन नो रिकम्बिनेंट एंड नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड दे सो कम्प्लीट लिंकेज। रिमेंबर द क्रॉसिंग ओवर इज मीजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन ऑन क्रोमोजोम, दैट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस एक्सप्रेस्ड एज सेंटी मार्गन और परसेंट क्रॉस ओवर। डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम टू क्रोमोजोम आर मैच्ड विथ ईच अदर ड्यूरिंग सिनाप्सिस एंड एंजाइम रिकॉम्बिनेज attaches to each chromosome at several randomly chosen point. The recombinase breaks both DNA molecule at the same point and reattach them to opposite partner. The result of crossing over can be seen in the microscope as prophase continues as X-shaped structure linking the homologs. The genetic consequence of crossing over is that each of the क्रोमोजोम गोज इन टू गैमिट इज ए कम्बिनेशन ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोजोम। कम्बिनेशन रिकम्बिनेंट हुआ ना, तो दोनों ओर से आ गया। नो लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लिंकेज विदाउट रिकम्बिनेशन। लिंकेज विदाउट रिकम्बिनेशन तब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, और नो लिंकेज रहेगा तब इंडिपेंडेंट। Recombination from an evolutionary point of view, purpose of sex is to reshuffle the combination of alleles so the offspring receive a different set of alleles than their parent had. फिर वही बात है, नेचुरल सेलेक्शन उस पर ऑपरेट करेगा, सर्वाइवल वैल्यू बढ़ा देगा, reshuffling of the alleles होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्रॉसिंग ओवर के एक दो पॉइंट और बता दिए जाए आपको। एक तो यह ध्यान में, ये एक्चुअली यहाँ का क्रॉसिंग ओवर वही है जो कि लिंकेज से इसको कनेक्ट कर सके कि हमारा क्या रोल है लिंकेज में और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। पर और भी जब कैरेक्टर की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि बाई फार आप जानते हैं नेचुरल सेलेक्शन वेरिएशन पे ऑपरेट करेगा। अब वेरिएशन का सबसे बड़ा स्रोत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वेरिएशन का सबसे बड़ा स्रोत? क्योंकि उसमें रिकम्बिनेंट प्रोड्यूस होते हैं, रिकम्बिनेशन होता है। दो पेरेंट से क्रोमोजोम आते हैं और नए नए कॉम्बिनेशन के प्रोजेनी बनाते हैं जीन के एक्सचेंज से, तो क्रॉसिंग और वेरिएशन क्रिएट करता है। तो एक तो चीज़ ये आता है कि ये मैकेनिज्म इसका क्या है भाई क्रॉसिंग ओवर का। तो इसमें तीन बातें आएंगी। एक तो
ब्रेकेज एंड रीयूनियन कह रहा है कि इसमें बेली साहब ने कहा था, बेली साहब ने, कि जब क्रोमोजोम पास नज़दीक और छोटे और छोटे और कंडेंस होते जाते हैं, फाइबर के रूप में ना होके और छोटे और कंडेंस होते जाते हैं, तो उन प्रक्रिया में पेयरिंग के दौरान वो पाते हैं कि एक दूसरे को वो फिजिकल स्ट्रेस क्रिएट करते हैं या फिजिकल टेंशन क्रिएट करते हैं, और उस फिजिकल टेंशन में जब ये एक क्रॉस ओवर माने एक से दूसरे के ऊपर चला जाए, क्रॉस ब्रिज बनाए, ठीक है, तो जैसे एक्स होता है ना, एक्स लेटर अंग्रेजी का देखे ना, ये है क्रॉस ब्रिज, तो एक क्रोमेटिड इधर से घूमता हुआ दूसरे क्रोमेटिड पे चला गया, तो जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ टेंशन होने की वजह से, फिजिकल टेंशन होने स्ट्रेस की वजह से वो वहाँ से ब्रेक होगा, पहला काम, और दूसरा काम रीयूनाइट होगा, और तीसरा काम रीयूनाइट होने के दौरान फॉल्स रीयूनाइट होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए टेबल पर हम और आप बैठे हैं, मैंने चश्मा रख दिया टेबल पे निकाल के और आपने पेन रख दिया, और जब उठने लगे तो मैंने पेन ले लिया और आपने चश्मा ले लिया, तो अब देखिए कॉम्बिनेशन बदल गया ना, तो ब्रेकेज एंड रीयूनियन, रीयूनियन के समय में वो अदर सेगमेंट से, अदर बगल वाले क्रोमेटिड के सेगमेंट से जुड़ के आगे बढ़ जाते हैं, तो एक तो ये हुआ थ्योरी बेलिंग का, एक ये थ्योरी हुआ ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी, और दूसरा है कापी च्वाइस थ्योरी। तो इसमें ये कहता है कि जब पेयरिंग होती है तो रिकम्बिनेज नाम का वहाँ पर इंजाइम का इस्तेमाल होता है, और थोड़ा सा रोल सिनाप्टिनिमल कॉम्प्लेक्स का भी किए हैं, और ये कहते हैं कि उसका पार्टनर वहाँ पर सिंथेसाइज होता है, और उस सिंथेसिस की प्रक्रिया में कॉपी च्वाइस, ठीक है ना, तो एक स्टैंड पे जो नया स्टैंड बनेगा वो एक स्टैंड पे कॉपी करना शुरू किया फॉर सम डिस्टेंस, और उसके बाद वह क्या किया कि बगल वाले जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उस पर क्रॉस ब्रिज बना के उस पार चला गया, और वहाँ से आगे का कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद तब क्या हुआ, थोड़ा हिस्सा इधर वाले का, थोड़ा हिस्सा उधर वाले का, क्योंकि कॉपिंग का काम दोनों पर किया गया है, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पे, तो इस प्रकार से यह कॉपी च्वाइस थ्योरी आया। और इसी का मॉडिफिकेशन में एक व्हाइट हाउस के द्वारा मॉलिक्यूलर बेसिस पर इसे हाइब्रिड डीएनए मॉडल, हॉलीडेज हाइब्रिड डीएनए मॉडल के रूप में स्थापित किया गया, और यह रिकम्बिनेशन का मॉलिक्यूलर प्रोसेस को डिनोट करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ है, काइएज्मा और क्रॉसिंग ओवर क्या है, यह ध्यान देना चाहिए। तो काइएज्मा इज ए कंसीक्वेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, नॉट द कॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जब क्रॉस ओवर हो जाता है तब ये जो गुथे हुए पार्टनर हैं यह अलग होते हैं, तो जैसे दो आदमी एक एक उंगली अपना फंसा ले, आधा पेयरिंग, आधा कॉपिंग इधर किया था, आधा कॉपिंग उस उंगली पे किया था, तो दोनों उंगली फंसा हुआ है, अब वहाँ से ये जब खींच के निकलता है तो यह काइएज्मा एक क्रॉस ब्रिज माफिक दिखता है म्यूसिस सेल डिवीजन के दौरान, जब एनाफेज के स्टेज में जाएगा तब, या डिप्लोटीन में आप कह सकते हैं, तो जब वो स्टेज आएगा जब ये सेपरेट होते हैं उस समय यह क्रॉस ब्रिज दिखने लगता है, कि ग्रेजुअली वो दोनों उंगली फंसा हुआ माने दोनों क्रोमेटिड फंसा हुआ अपना खुल के निकलता है वहाँ से। तो ये काइएज्मा जो है एक क्लासिकल थ्योरी थी, वो कह रहा था, वो उसका कहना ये था कि काइएज्मा इज द कॉज ऑफ रिकम्बिनेशन,
दोनों कहीं किसी जगह फंस गए हैं और खींचते समय टूट के अलग वाला हिस्सा लेके चला आया, ठीक है। और अब जो मॉडर्न इस्टेब्लिशमेंट है वो ये कहता है कि नहीं, रिकम्बिनेशन इज या क्रॉसिंग ओवर काइज़मा इज कंसीक्वेंस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर पहले हुआ और उसकी वजह से काइज़मा क्रॉस ब्रिज क्रोमोजोम का दिखाई दे रहा है साइटोलॉजिकली, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर पहले पाइकीटिन में हो गया, इसलिए आगे के स्टेज में जब वो सेपरेट होने लगे डिप्लोटीन में तो क्रॉसिंग क्रॉस ब्रिज दिखाई पड़ रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर इज द काज ऑफ, तो काइज़मा इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से काइज़मा बना। और क्लासिकल थ्योरी क्या कहता था कि नहीं नहीं काइज़मा बनने के वजह से वो गलत तरीके से टूट जाते हैं क्योंकि फंसे हुए उंगली को अलग कर रहे हैं, और फंसा हुआ उंगली मैंने क्रॉस ब्रिज बना हुआ है तो वो दिखता था साइटोलॉजिकली सेल डिवीजन के दौरान। तो उन्होंने कहा कि नहीं, काइज़मा पहले बनता है और उसमें खींचने में जब वो टूटता है तो वो रिकम्बिनेशन के रूप में आता है बाहर। तो एक तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण था इसमें हमें आप लोग को बताना। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर देखिए तीन प्रकार से हो सकते हैं, सिंगल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर और मल्टीपल क्रॉसओवर। जैसे पेयरिंग हुई है पैरेलल, तो कैसे हुई है भाई, ये तो जीपर लाइक फैशन में हुई है, जो बैग में चेन होता है, पॉइंट टू पॉइंट जीन एक दूसरे से अटैच किए हुए, एक किनारे से दूसरे किनारे तक होमोलोगस क्रोमोजोम पेयर किए हुए हैं। तो अब ये पेयरिंग में यदि एक जगह होता है, मान लीजिए कॉपी च्वाइस ही माना जाए कि वही एडवांस थ्योरी है, तो एक पर थोड़ी दूर का कॉपिंग हुआ और उसके बाद दूसरे पे चला गया और फिर वो अंत तक कॉपी कर लिया, ठीक है। तो कुछ पार्ट यहाँ का और कुछ पार्ट दूसरे क्रोमेटिड का, तो यह एक बार यदि क्रॉसओवर हुआ तो यह सिंगल क्रॉसओवर। पर यदि कोई ऐसे केस का कल्पना करिए, यह तो थ्रेड लंबा सा है ना जीपर लाइक फैशन में ज्वाइंट, तो थोड़ी दूर कॉपी एक क्रोमेटिड पे हुआ और उसके बाद वो शिफ्ट करके दूसरे पर कॉपी करना शुरू किया और फिर अपनी गतिविधि पलट दिया, वहाँ से फिर पहले वाले क्रोमेटिड पे आके आगे कॉपी करना शुरू किया, ठीक है। तो अब देखिए ये डबल क्रॉसओवर होगा। और यदि पूरा लंबे रास्ते के दौरान या कई बार कभी इस पर कॉपी कभी उस पर कॉपी फिर आगे इस पर कॉपी फिर आगे उस पर कॉपी, तो यह मल्टीपल क्रॉसओवर हुआ। अब देखिए इसको और आसानी से समझिए, मान लीजिए कि रोड पर हम लोग चले जा रहे हैं, तो थोड़ा दूर हम लोग रोड पर बाएं तरफ से चलें और उसके बाद थोड़ी दूर दाएं तरफ से चले गए तो यह सिंगल क्रॉसओवर। पर थोड़ी दूर आगे जाके हमें लगा कि नहीं हमें बाएं तरफ वाले दुकान में जाना है, तो फिर बाएं तरफ पटरी पे आके और फिर उस पर थोड़ी दूर चल पड़े और फिर थोड़ी दूर आगे गए तो फिर दूसरे पटरी पर गए, तो ये देखिए डबल क्रॉसओवर हो गया। और फिर थोड़ी दूर आगे गए और फिर पटरी चेंज कर दिया, तो अब हमारा पाथवे जो बना जिग जैग इस पर से उस पर से इस पर, तो यह मल्टीपल क्रॉसओवर। तो ये तीन प्रकार के क्रॉसओवर हैं और ये दो महान वैज्ञानिक हैं जिन्हें मैं आपके सामने लाना चाहा इस टॉपिक के अंत करने के पहले। मेंडल वर्क वाज रीडिस्कवर्ड एंड साइंटिस्ट वेयर टेस्टिंग दी थ्योरीज विथ एज मैनी डिफरेंट जीन एंड ऑर्गेनिज्म एज पॉसिबल। मेंडल साहब मटर पे किए थे 7 कैरेक्टर लेके ना, तो इसको और सारे कैरेक्टर पे और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में लोग टेस्ट करने के लिए इतना महत्वपूर्ण इनहेरिटेंस का जो है फार्मूला मिल गया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का, तो हर जगह लोग टेस्ट करके देखने लगे वैज्ञानिक लोग। विलियम बैटिसन एंड आर सी पनेट वे आर वर्किंग विथ सेवरल ट्रेट्स एंड इन स्वीट पी, नोटेबली इज ए जीन फॉर पर्पल पी वर्सेज रेड पी फ्लावर स्मॉल पी एंड ए जीन फॉर लॉन्ग पॉलन ग्रेन कैपिटल एल वर्सेज राउंड पॉलन ग्रेन स्मॉल एल।
और यहीं पर इन्होंने डिस्कवरी ऑफ लिंकेज किया और पाया कि 1:1:1:1 आने के बजाय 1:7:7:1 इस प्रकार से आ गया रेशियो। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला टेस्ट क्रॉस में नहीं रिजल्ट आया तो इन्हें एक मौका मिला। दे हैव इमर्ज्ड एज चैलेंजर ऑफ मेंडल्स लॉ, यह भी समझ लीजिए। और जितने जीन इंटरेक्शन थे वह भी यह बताने में सफल हुए। अब देखिए, इस क्लास में हमने सोचा कि एक ट्रेंड बदल दें। हर विद्यार्थी अब हमारे क्वेश्चन का आज आंसर देने के बजाय हर विद्यार्थी एक छोटा पॉइंटेड क्वेश्चन बना के भेजेगा कमेंट बॉक्स में और मैं उसका जवाब दूंगा वहाँ पे, ठीक है? तो हमारे ख्याल से 25 से 35 विद्यार्थी तक हमारे इस क्वेश्चनिंग आंसरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हर विद्यार्थी को एक छोटा क्वेश्चन, ठीक है ना? जैसे मैं छोटा ही पूछता हूँ ना, तो उसी तरह जो वहाँ दिया जा सके, एक एक जरा आप लोग छोटा क्वेश्चन पूछ के कमेंट बॉक्स में देखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है और आप लोग पूछिए एक एक छोटा क्वेश्चन एक विद्यार्थी, वो विद्यार्थी जो हमारे आंसर्स देते थे हमारे क्वेश्चंस के। वैसे जो भी भेजेगा उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।